अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड चौली का सालन, बैगन और चौली का सालन। मैंने रात भर भिगो ली हूँ, इसे लोबिया भी बोलते हैं। इस तरह से रहती है रेड वाली चौली। एक कप मैंने चौली ली हूँ, रात भर भिगो ली हूँ, और पाव किलो मैंने बैगन ली हूँ, इसे मैंने इस तरह से कट कर ली हूँ। खोपरे का बुरादा ली हूँ 2 चम्मच। एक प्याज ली थी बड़ा वाला, इसे बारीक चॉप कर ली हूँ। 2 टमाटर ली हूँ, तो टमाटर और खोपरे को मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक कुकर ली हूँ, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करी हूँ। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। जीरे को हम गोल्डन होने देंगे। कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन होने देंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, तो एक अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी 1 चम्मच। अच्छे से 30 सेकेंड के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब जो टमाटर और खोपरे का पाउडर पीस के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करूंगी 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 2 छोटे चम्मच जितना, नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 चम्मच हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, 2 मिनट तक का हम अच्छे से भूनेंगे मसालों को। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है अच्छे से, और कच्ची स्मेल भी मसालों की खत्म हो चुकी है। तो इसमें हम चौली और बैगन ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से मैंने बैगन और चौली को भून ली हूँ मसालों में। इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 3। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी लगेगा तो 1.5 कप जितना पानी मैं ऐड कर रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगाएंगे हम और 3 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। चलिए हम चेक करेंगे।
तैयार है सालन हमारा, चौली भी हमारी गल चुकी है, बैगन भी गल चुका है। चलिए हम इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारा रेड चौली और बैगन का सालन। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।